गाइस अभी घर में है, अपनी माता की पूजा करके हम जा रहे हैं गुरुवारी देवी। और हमारे जो घर के देवी देवता हैं, घर के सिद्ध, उनके पास जा रहे हैं। पूरी फैमिली और ताई ताई जी सभी हम जा रहे हैं उनके पास। चलो आप करवाते हैं अपने जो घर के देवता हैं जैसे सिद्ध है उनकी दर्शन। चलिए ले चलते हैं आपको वहाँ पे उनकी पास। पापा अभी शॉप में गए हैं थोड़ा बहुत सामान लाने के लिए। यहाँ लिद्दा में हम पहुँच गए हैं और यहाँ पे मेरी नानी का घर भी है। कभी आऊँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। एंड पापा शॉप पे गए आने वाले हैं, तो चलिए अभी लिद्दा से काफ़ी दूर नहीं है, ज़्यादा ही नज़दीक है। और वो कहाँ पे है एक्चुअली, वो बाय रोड होके जाते हैं हम लिद्दा और सिकंदरा होके। सिकंदरा से आगे मतलब मैक्सिमम 10 से 12 किलोमीटर आगे होगा, वहाँ का नाम है, जहाँ पे हमारे घर के सिद्ध हैं वहाँ का नाम है जंथेड़ा, जंथेड़ा गांव का नाम है। तो चलिए अभी हम इस जंगल में पहुँच गए हैं, सिकंदरा वाले जंगल पे। तो आप सभी इस जंगल को बहुत अच्छे से जानते होंगे। चलिए आपको ले चलते हैं अपने घर के सिद्ध के पास। रास्ते में बहुत अच्छे से मोमेंट आपको दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं आगे एक गुड वाइब के साथ। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। चलिए अभी मास मून निकालते हैं गाड़ी से एंड जो भी हमने चढ़ावा लाया है, और आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ की वादियाँ। यहाँ पे देखो कितने ब्यूटीफुल मोमेंट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कितनी प्यारी पहाड़ियाँ, कितने प्यारे माउंटेन्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टेम्पल भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे सिनेमैटिक शूट के साथ। एंड चलिए देखें शूट एंड मिलते हैं आपसे सिनेमैटिक शूट के बाद।
बहुत थक गया, पूरे चढ़ मारा अपने यहाँ तक नीचे मैंने मारा, बहुत ज़्यादा गंद था यहाँ पे पहले। नीचे स्पाई करने के बाद अभी आगे हम टेंपल पे, यहाँ पे है हमारे घर के सिद्ध का टेंपल, दस जी नीचे स्पाई करते तो हमने भी नीचे थोड़ी बहुत स्पाई कर दिया है। नीचे मतलब पत्ते बहुत थे खीरे ऊपर से, तो वहाँ स्पाई कर दी है। एंड यहाँ पे आपको दिखाऊँ मैं तो, बहुत ही प्यारा टेंपल है यहाँ पे। आपको कैसा लगा आप चीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ। एंड आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ सिनेमेटिक शूट के साथ, चलिए देखिए आप सिनेमेटिक शूट एंड इंजॉय करिए। दादाजी को मैं देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वो इतनी बुजुर्ग उम्र के हैं और यहाँ पे स्पाई कर रहे थे। तो मतलब देखो जो पहले के आदमी थे, मतलब उनमें इतनी क्वालिटी थी कि वो बिना विदेश जाए, बिना अपने घर गांव छोड़ के अपना गुजारा कर लेते थे। आज के टाइम पे हर एक बंदा घर से बाहर भाग रहा है किस लिए, पैसे के लिए, फिर भी वो उस पैसे से अपना गुजारा कर नहीं पा रहा है। मतलब यही क्वालिटी पहले के बंदे में थी जो वो बिना बाहर जाए घर में गुजारा कर लेता था। अब के बंदों में अहंकार वही चीज़ें आ गई हैं कि अब वो कहीं झुकना नहीं चाहता है, और कहीं भी टेंपल वगैरह में जाओ तो वो कभी हाथ नहीं लगाता किसी कार्य में, धार्मिक कार्य में। तो मैं यही बोल आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ भी लिखा है सिद्ध बाबा बालकनाथ प्राचीन गुफा मंदिर कश्मेला। तो ये हमारी मतलब बाबा बालकनाथ का मंदिर है ये, और मतलब काफ़ी पुराना मंदिर है हमारा। देखो बाबा नाथ बालकनाथ, हाँ बोलते हैं कि यहाँ पे प्राचीन टाइम पे बहुत गुफा हुआ करते थे ऊपर को अंदर को, और यहाँ पे पहले जैसे पूरे गाँव में किसी को जो जैसे लोहे की बल्टोई होती है, हम शादी ब्याह में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी रखी होती थी, उनमें सोना चांदी भरा हुआ होता था। जैसे वो रखी होती थी उनको जैसे शादी में भी हमें यहाँ से भगवान से मांग के ले जाते थे,
हमारे जो बुजुर्ग हैं, मतलब यहाँ के जो प्राचीन टाइम के बुजुर्ग आदमी हैं, बोले जाया करते थे उनको ऐसे उधार के टाइम पे, और उसको बाद में फिर यहाँ पे रख दिया करते थे वैसे ही जैसे ले जाया करते थे। किसी ने यहाँ पे चोरी करने की कोशिश की, जिस कारण फिर बाद में उनको यहाँ से निकालना मुश्किल हो गया। अब वो निकलती नहीं है यहाँ पे, यहीं पे अंदर वो इन पत्थरों के नीचे दबी हुई है। पर बोलते हैं कलयुग है ही चला, तो यहाँ पे इतना किसी में दम नहीं जो इनको निकाल पाए, क्योंकि कलयुग में कोई भी सच्चा इंसान नहीं है रहा है, और हम भी नहीं है, तो इसलिए वो अब निकलती नहीं है। और काफ़ी टाइम पुरानी है, मतलब हजारों करोड़ों साल पुरानी। ये देखो जय हो, यहाँ देखो बाबा जी की पुरानी मूर्ति है, काफ़ी पुराने साल है। मैं यहाँ पे जाने की हिम्मत कर रहा हूँ थोड़ा सा, शायद जाते नहीं है। यहाँ देखो लगा है धूप 24 घंटे का, अब आता हुआ कोई प्यार यहाँ पूजा करने के लिए। पर बोलते हैं दोनों ही कभी बंद नहीं होता है, लगा रहेगा 24 घंटे, मतलब सदा बाहर लगा रहेगा। देखो पूरी लाइट की, पूरी मीटर की व्यवस्था की गई है यहाँ पे भगवान के लिए, काफ़ी पुराना है। तो थोड़ी सी मैंने यहाँ से धोती ले जानी थी।